हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छोटे शहरों में फेस किए जाने वाले ट्रैफिक इश्यूज के बारे में, जहां पर मेट्रो जैसी हाई एंड सुविधा उपलब्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि मेट्रो चलाने के लिए हर घंटे 20,000 यात्रियों का होना अनिवार्य होता है। पर छोटे शहरों में यह बेंचमार्क अचीव नहीं किया जा सकता। इसी के लिए सरकार ने एक नया प्लान बनाया है, जिसके तहत अभी छोटे शहरों को भी मेट्रो सुविधा का फायदा मिल सकेगा। तो उसी में सबसे पहला शहर होने वाला है नासिक। तो हम देखेंगे कैसे बनाई जा रही है ये नासिक की मेट्रो, क्या उसकी खासियतें होंगी, कैसे उसे दो लाइंस के स्वरूप में डेवलप किया जा रहा है, वह कहां से होकर गुजरने वाली है, क्या है उसका स्टेटस और बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। भारत में कई बड़े शहर हैं जिनकी लोक संख्या करोड़ों में है, पर आज हम बात करने वाले हैं नासिक की, जिसकी जनसंख्या सिर्फ 15 लाख है। और इस नासिक शहर के लिए अभी मेट्रो बनाई जा रही है, पर यह मेट्रो पूरी तरीके से मेट्रो नहीं, लगभग ट्राम की तरह बनाई जाएगी। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, एक शहर में मेट्रो बनाने के लिए उस रूट पर लगभग 20,000 यात्रियों का होना जरूरी होता है, पर नासिक में यह नंबर 8,000 था। इसके लिए नासिक में मेट्रो नहीं बनाई जा सकती थी, और इसके पर्याय स्वरूप अभी यहाँ एक टायर पे चलने वाली ट्राम स्वरूप मेट्रो बनाई जाएगी, जिसे दो इलेक्ट्रिक ट्रॉली बसेस को जोड़ के बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 25 मीटर होने वाली है, और वह एक समय पर 250 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी, जिसे मेट्रो नियो के नाम से जाना जाएगा। यह मेट्रो एक घंटे में 15,000 यात्रियों को लाने ले जाने में सक्षम होगी। इस मेट्रो के कोचेस जब भी एलिवेटेड कॉरिडोर में चलेंगे, तभी उसे ओवरहेड इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से चलाया जाएगा, पर जब यह नॉर्मल रोड पर चलाई जाएगी, तब इसे चलाने के लिए बैटरीज का यूज किया जाएगा। इस मेट्रो को डिजाइन करते वक्त भविष्य का भी ख्याल रखा गया है, ताकि भविष्य में अगर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए, तो उसे कोचेस की संख्या बढ़ाकर चलाया जा सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यू नाइस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो अब जानते हैं इस मेट्रो लाइन के रूट के बारे में। इस मेट्रो को मुख्य तौर पर दो लाइन के स्वरूप में डेवलप किया जाएगा। सबसे पहली मेट्रो लाइन 1 के नाम से जानी जाएगी, जो गंगापुर से शुरू होकर मुंबई नाका तक जाने वाली है। इस मेट्रो की कुल लंबाई 10 किलोमीटर होने वाली है, और इसे एलिवेटेड और एग्जिस्टिंग रोड पर ही कॉरिडोर बना के डेवलप किया जाएगा। इस लाइन के लिए एक अलग मेंटेनेंस डिपो का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके निर्माण के लिए 7.5 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी जगह सातपुर में निश्चित की गई है। इस मेट्रो लाइन पर कुल 10 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस पर सबसे पहला स्टेशन गंगापुर, और उसके बाद जालापुर, गणपत नगर, काले नगर, जेहान सर्कल, तत्ते नगर, शिवाजी नगर, अशोक स्तंभ पंचवटी, CBS, और सबसे आखिरी स्टेशन होने वाला है मुंबई नाका। दूसरी मेट्रो लाइन को लाइन 2 के नाम से जाना जाएगा, जो गंगापुर से ही शुरू होकर नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक जाने वाली है। इस लाइन की कुल लंबाई 22 किलोमीटर की होने वाली है, जो एलिवेटेड और ऑन रोड स्वरूप में डेवलप की जाएगी। इस लाइन के लिए दो अलग से मेंटेनेंस डिपो का निर्माण किया जाएगा, और यह दोनों के दोनों मेंटेनेंस डिपो नासिक रोड के पास बनाए जाएंगे, जिसके लिए 5.7 और 4 एकर्स के जमीन की जरूरत पड़ेगी। इस लाइन पर कुल 20 स्टेशन बनाए जाएंगे। यह लाइन गंगापुर से शुरू होकर ध्रुव नगर, श्रमिक नगर, महिंद्रा, शानेश्वर नगर, त्रिम्बक रोड, सातपुर कॉलोनी, MIDC, ABB सर्कल, पारिजात नगर, मीको सर्कल, CBS, शारदा सर्कल, द्वारका सर्कल, गायत्री नगर, अम्बेडकर नगर, उपनगर, नेहरू नगर और दत्त मंदिर होते हुए नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक जाने वाली है। इन दोनों मेट्रो लाइन्स के रूट पर गंगापुर और CBS क्रॉस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक जंक्शन के रूप में बनाए जाएंगे। इन दो मेट्रो लाइन्स के अलावा और ज्यादा कवरेज देने के लिए फीडर बस लाइन्स का भी निर्माण किया जाएगा। उसके लिए दो रूट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। पहला रूट मुंबई नाका से शुरू होकर गरवारे होते हुए सातपुर कॉलोनी तक जाने वाला है, जिसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर की होगी, और दूसरा कॉरिडोर नासिक स्टेशन से शुरू होकर शिवाजी नगर होते हुए नंदूर नाका तक जाने वाला है, उसकी लंबाई 12 किलोमीटर की होने वाली है। तो अब जानते हैं ये फीडर बसेस आखिरकार होंगी क्या। इन फीडर लाइन्स पर सिंगल कोच वाली AC बसेस चलाई जाएंगी, जिनकी लंबाई 12 से 13 मीटर तक होगी, और वो 60 से 70 पैसेंजर्स को लाने ले जाने में सक्षम होगी। इनका काम होगा शहर के फीडर लाइंस पर घूमकर सवारियों को इकट्ठा करना और उन्हें मेन मेट्रो कॉरिडोर से जोड़ना।
तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इस रबर टायर मेट्रो के बारे में, और भारत में ऐसे कौन से शहर हैं जिन्हें इस तरीके की मेट्रो का लाभ मिलना चाहिए, हमें यह कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।